राम, इसी शब्द से शुरू होता है इस जगह का नाम और राम से ही जुड़ा है यहाँ का इतिहास और पहचान। तमिलनाडु के इस छोटे से पंबन आइलैंड में बसी ये जगह चार धाम में से एक धाम है। मैं बात कर रहा हूँ रामेश्वरम की और इस वीडियो में मैं आम यात्री आपको लेके चल रहा हूँ रामेश्वरम के इस सफर में और हम जानेंगे इस जगह के बारे में। आज के टाइम में वक्त और पैसा सबके पास है और कोई भी आराम से चार धाम यात्रा कर सकता है। दिल्ली से रामेश्वरम है 2700 किलोमीटर दूर और ये 2700 किलोमीटर फ्लाइट में 2 घंटे में और ट्रेन से 2 दिन में आप जा सकते हैं। रामेश्वरम से जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है मदुरई में और मदुरई एयरपोर्ट से आप AC नॉन AC बसेस से या फिर आप कैब से सीधा रामेश्वरम जा सकते हैं। आइकॉनिक पंबन ब्रिज के रिपेयर के चलते आप डायरेक्टली ट्रेन से रामेश्वरम नहीं जा सकते, ट्रेन से आप मंडपम स्टेशन तक जा सकते हैं जहां से रामेश्वरम है 21 किलोमीटर दूर और मंडपम स्टेशन से आप ले सकते हैं कैब या ऑटो जो आपसे लेंगे 1000 से 1200 रुपए के बीच में। लकीली जो सावन की आखिरी अमावस्या थी उस दिन मैं रामेश्वरम में पहुंचा और ये दिन बहुत ही ज्यादा शुभ होता है रामेश्वरम में मंदिर में दर्शन करने के लिए और इस रीजन से यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है और मेरे से बड़े सारे लोग हैं जिनको बसेस ने ऑटो ने सबको बस स्टैंड पे उतार दिया और सारे लोग पैदल चल रहे हैं मेरी तरह। यू कैन जस्ट सी कितने सारे लोग हैं। इतना चलना तो इट्स ऑल फाइन बट इतने सारे लगेज के साथ इतना सारा चलना बस स्टैंड से मेरा होटल था 4.5 किलोमीटर और हजारों लोगों की तरह मैं भी पैदल निकल पड़ा क्योंकि कुछ जगह आपकी जेब में पड़े पैसे कुछ काम नहीं आते। और हाँ, होटल से याद आया, मंदिर के आसपास बहुत सारे होटल्स, लॉजेस और रुकने की जगह हैं तो आप वहीं रुके। मेरा होटल भी मंदिर के पास ही था जिसका नाम था होटल फॉर्च्यून। तो दिस इज माय रूम एट होटल फॉर्च्यून एंड अंदर आते ही आपको दिख जाएगा इट्स अ बिग रूम। दिस इज द होल रूम। यहाँ से व्यू जो है ओशन जो है बिल्कुल अक्रॉस द रोड है बट इन पेड़ की वजह से ये ओशन दिख नहीं रहा है। होटल भी बिल्कुल मंदिर है रामेश्वरम का जो मेन मंदिर है उससे सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। We are ready to explore Rameshwaram now. Rameshwaram घूमने का सबसे अच्छा तरीका है अगर आप सिंगल हैं या दो बंदे हैं या कपल हैं वो है आप एक स्कूटी हायर कर सकते हैं जैसे मैंने ये हायर करी है स्कूटी। इसका पर डे का रेंट मेरे को पड़ा है 700 रुपी जो कि आई थिंक थोड़ा सा महंगा है बाकी सब जगह से बट इट इज वर्थ बिकॉज जो वन डे टूर है जो अगर आप कोई कैब लेंगे या कोई टैक्सी बुक करेंगे एक दिन पूरा घुमाने का वो लेती है 2500 से 3000 रुपए और ये मेरे को 2 दिन के लिए स्कूटी पड़ी है 1400 में। तो आई थिंक पैसे बचाने वाली स्कीम मैं आपको कह सकता हूँ। तो अगर आप सिंगल हैं या दो बंदे हैं स्कूटी हायर करें और जो फर्स्ट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं वो है जो बहुत ही फेमस धनुषकोटी। आधा घंटा लगेगा यहाँ से तो लेट्स गो। फॉर्च्यून होटल थोड़ी देर बाद मिलते हैं। दिस इज द बीच रोड जो ये पूरी रोड है और इसी रोड पे आगे जाके मंदिर है। ये जो घाट आप देख रहे हो जहाँ पे ये हजारों लोग जो है वो स्नान कर रहे हैं इट्स अग्नि थीरम और यहाँ पे लोग डुबकी मार के फिर वहाँ पे जाते हैं दर्शन करने। सो जो रामेश्वरम है वो 4 धामों में से एक धाम है और जो बाकी 3 धाम है वो है एक है बद्रीनाथ जो की नॉर्थ में है और जो वेस्ट साइड में है वो है द्वारका जो की गुजरात में है और जो ईस्ट साइड में है जो जगन्नाथपुरी है वो जो साउथ में है वो है रामेश्वरम। तो 4 धाम में से ये एक धाम है इसी वजह से यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं पूरे इंडिया से। रामानाथा स्वामी मंदिर से धनुषकोटी है 25 किलोमीटर दूर और वहाँ जाने में लग जाते हैं अराउंड 40 मिनट और रस्ते में आप धनुषकोटी लाइट हाउस भी देख सकते हैं और यहाँ से धनुषकोटी का अमेजिंग एरियल व्यू भी दिख जाता है। तो बाबा इस पॉइंट से जो धनुषकोटी है वो 4 किलोमीटर दूर है और राइट हैंड साइड पे मेरे को समंदर नजर आ रहा है और जो ये पानी है समंदर का इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ऐसा पानी मैंने पहले कहीं नहीं देखा। जो ये कलर है इसका ये बिल्कुल ही डिफरेंट है यार। सो ये जो रोड है दिस इज द एंट्री फॉर धनुषकोटी। बसेस, टैक्सी, कार, टू व्हीलर्स, तो मतलब ऑप्शंस तो आपके पास बहुत सारे हैं। टैक्सी भी ले सकते हैं, ऑटो के भी बड़े सारे ऑप्शन हैं, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं अगर आप धनुषकोटी आ रहे हैं। आगे बैरिकेडिंग है तो आई थिंक आई हैव टू स्टॉप हियर, यहाँ पे पार्किंग करनी पड़ेगी और फिर आगे वहाँ पैदल जाना पड़ेगा। पंबन आइलैंड के साउथ में है ये धनुषकोटी और इसके एक तरफ है इंडियन ओशन और दूसरी तरफ है बे ऑफ बंगाल। माना जाता है यहीं से श्री राम ने राम सेतु बनाने की शुरुआत की थी और इसी जगह विभीषण राम जी की शरण में आए थे। एक जमाने में ये टाउन था पर 1964 के साइक्लोन की वजह से ये पूरा खत्म हो गया और अब इसको गोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है।
सो बाबा राइट नाउ आई एम एट द धनुषकोटी और ये जो फेमस सर्कल है धनुषकोटी का वो है बीच में एक पिलर बना हुआ है उसके ऊपर अपना एम्बलम है वहां पे खाने पीने की कुछ जगह वहां से वॉक करके आप आगे आएंगे एंड दिस इज बीच और जो यहाँ पे हवा है वो बहुत ज्यादा तेज है और जो वेव्स है वो उससे भी ज्यादा तेज है यहाँ पे आप स्विम वगैरह ना करें तो बेटर है बिकॉज यहाँ पे आपके डूबने के बहुत सारे चांसेस है और यही वो जगह थी जहाँ से श्री राम जी ने अपनी चढ़ाई थी श्रीलंका को विजय करने की वो शुरू करी थी जो सिग्निफिकेंस है इस जगह का वो यहाँ पे आके आपको पता लगेगा और आप उसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे एक जमाने में श्री राम थे बट अभी के लिए तो इस जो भी रामेश्वरम आता है वो धनुषकोटी जरूर आता है कुछ यहाँ की खूबसूरती के लिए और कुछ यहाँ राम सेतु की एक झलक देखने के लिए। धनुषकोटी पर हमेशा बहुत तेज हवाएं चलती है जिसकी वजह से रेत पूरी रोड को ढक देती है और एक बार को आपको लग सकता है आप रेगिस्तान में हैं। और इन्हीं नजारों को देखते देखते मैं पहुंचा वापस मंदिर के पास और वहाँ है ये जादुई जगह। सो बाबा एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग जगह पे मैं आ गया हूँ जिसका मेरे को आइडिया भी नहीं था रामेश्वरम में ही है और वो जगह है जो अब्दुल कलाम जी का घर उनका जो बचपन का घर है उनका बचपन यहाँ पे बीता कितना टाइम बीता क्या सीन है वो अंदर जाके पता करेंगे। और यहाँ पे कलाम आर्किड भी है जहाँ पे उनका बुक्स वगैरह कलेक्शन है यहाँ पे बहुत सारा। ये पूरा जो एरिया है ये अब एक म्यूजियम की तरह इन्होंने बना दिया है और सब लोगों ने यहाँ पे शूज उतारे हैं और शूज उतार के अंदर गए हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज कलाम जी जैसे बंदे जिंदगी भर आप याद रखेंगे क्योंकि उन्होंने जो जो काम करे हैं जो उनकी पर्सनैलिटी थी उसको मैच करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं होने की वजह से मैं आपको इस जगह को अंदर से नहीं दिखा पाऊंगा पर इस जगह के मायने जब आप यहाँ पे खुद आएंगे तभी जान पाएंगे। तो बाबा ये था डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का घर जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें वो एक्चुअल में रहते थे जो कि अभी बंद है वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे पूरा म्यूजियम उन्होंने बनाया हुआ है जो भी अब्दुल कलाम जी ने डिग्रीज ली थी वो सारी वहाँ पे रखी हुई है। उनको पद्म विभूषण पद्म भूषण भारत रत्न से नवाजा गया था वो सारी चीजें वो वहाँ पे रखी हुई है। सेकेंड फ्लोर पे देर इज अ सुवीनियर शॉप वहाँ पे बहुत सारा सामान आप ले सकते हैं जो अब्दुल कलाम जी के से रिलेटेड है बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे जो आप खरीद सकते हैं। अगर आप रामेश्वर में आ रहे हैं डोंट मिस दिस प्लेस बिकॉज दिस प्लेस इज रियली अमेजिंग। सो ये था डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का घर एंड अब्दुल कलाम जी इज बियॉन्ड रिलीजन उनका कोई रिलीजन नहीं था वो इंडिया के हैं और हमेशा इंडिया के ही रहेंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू बाय धोती बिकॉज अगर हमें रामेश्वरम मंदिर जाना है तो हम दोनों ने ये सोचा क्यों ना जो ट्रेडिशनल तरीका है यहाँ पे जैसे लोग मंदिर जाते हैं वैसे जाया जाए तो धोती पहनेंगे एंड देखते हैं मार्केट में अगर धोती मिली तो इट्स रियली गुड अगर नहीं मिली तो फिर विल बी रियली सैड। पर मंदिर के पास ही एक दुकान पर मिली हमें धोती एंड आई वाज रियली हैप्पी। दिस वन इज फॉर 250 इसको खुद बांधना पड़ेगा और दिस वन इज फॉर 200 क्योंकि इसमें ये कम ये है 250 200 400 स्टिक हो जाएगा ना ये सीधा पहनो और स्टिक कर दो पर इसमें फील नहीं है भाई 400 का इट्स फॉर 400 ये 250 की है ये 200 की है YouTube से देख के पहनेंगे ना YouTube बाबा YouTube पर YouTube से नहीं देखेंगे तो कहां से देखेंगे भाई जो ऑथेंटिक है वो तो यही है ना ऑथेंटिक मुझे नहीं पता ऑथेंटिक है बट बाबा मंदिर जाने के लिए हम तैयार हैं। मंदिर में जगह है 22 तीर्थम वहाँ पे जाके आपको स्नान करना होता है और उसके बाद फिर आप दर्शन करते हैं। रामानाथा स्वामी मंदिर को रामेश्वरम मंदिर से भी जाना जाता है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो भगवान शिव जी को समर्पित है। माना जाता है रावण के वध के बाद श्री राम ने ब्राह्मण हत्या का पश्चाताप करने के लिए भगवान शिव की पूजा यहीं की थी। तो बाबा ये एंट्रेंस है मंदिर की पर जो 22 तीर्थम है वो इस साइड जाके है और वहाँ पे जाके पहले स्नान करेंगे उसके बाद कपड़े चेंज करेंगे और फिर दोबारा यहाँ पे आके दर्शन करेंगे। वे टू बाथ इन होली वेल्स मंदिर के अंदर 22 पवित्र जो होली वेल्स है उनका रास्ता यही है। सुबह देख रहे हो यहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग करा हुआ था इन्होंने और इतने सारे लोग थे चप्पलें देखो कहाँ गए ये लोग यू कैन जस्ट सी कितनी चप्पलें और पूरी सड़क पे भरी हुई है। दिस इज द वे टू 22 तीर्थम अंदर एंट्री तभी होगी जब आप चप्पल बाहर निकालेंगे तो आई थिंक पहले कहीं लॉकर ले लेते हैं बिकॉज मैं अपनी चप्पल ऐसे नहीं छोड़ना चाहता। बोरा एक लॉकर वाला लेफ्ट में बोरा श्री राम लॉज रूम्स लॉकर्स लॉकर
हाउ मच फॉर वन लॉकर? हाँ 50. और यहाँ पे चप्पल रखे हैं उसका कितना? चप्पल 1 चप्पल 10. हाँ ठीक है ओके. तो बैग वगैरह अंदर फोन ले जा सकते हैं, बस चप्पल आप पहन के नहीं जा सकते. तो वो लॉकर में चप्पल आप डाल नहीं सकते थे, तो वहीं पे हमने चप्पल रख दिए हैं. उसके 10 रुपए लिए हैं. मंदिर के अंदर 22 पवित्र तीर्थों में स्नान करने के लिए प्रति व्यक्ति 25 रुपीज की यहाँ पे एंट्री टिकट है, वो यहाँ से मिलेगी. द्राविडियन स्टाइल में बने इस मंदिर का गलियारा 1220 मीटर लंबा है, जो इंडिया के सबसे लंबे गलियारों में से एक है. जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग कॉरिडोर, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है ये जगह. जो आर्किटेक्चर है यहाँ का इट्स टोटली डिफरेंट. जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर होते हैं उससे बहुत ज़्यादा फर्क है. तो ये टिकट है 25 रुपीज का, अंदर आने के लिए इन्होंने काट दिया है. ये जो एक्सपीरियंस है ये मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है. मैंने आज तक ऐसे मंदिर में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करा कि पहले स्नान करना है मंदिर में और फिर मंदिर में दर्शन होंगे. सो दिस इज द एंट्री, यहाँ से एंट्री ले रहे हैं ये सारे लोग अंदर. तो अंदर जाने से पहले टी शर्ट उतार दिए हैं और ये कुएं हैं, इन्हीं को बोलते हैं तीर्थम. और यहाँ से पानी निकाल के सबके ऊपर ऐसे डालते हैं ये, और 22 जगह ऐसे बने हुए हैं. तो 22 जगह पानी ऊपर डालेंगे ताकि हम एकदम शुद्ध साफ हो जाए दर्शन करने के लिए. सो लेट्स गो. ऑलराइट, फर्स्ट वन, 21 मोर टू गो. सेकंड वन, सेकंड तीर्थम. दिस इज द थर्ड वन. आई लव दिस मंदिर, गव्य तीर्थम. ये फिर पे हाँ लिखा हुआ है सर, नीला तीर्थम, नील तीर्थम, नील तीर्थम. माना जाता है 22 तीर्थम के पानी से आपके शरीर और मन की शुद्धि होती है. और सारे तीर्थम किसी ना किसी भगवान को समर्पित है, जैसे अग्नि तीर्थम अग्नि को, सूर्य तीर्थम सूर्य को. इसके अलावा चंद्रा यमुना लक्ष्मण तीर्थम को मिला के पूरे 22 तीर्थम है यहाँ पर. विद इन हाफ एन आवर कम्प्लीट हो गए हैं सारे. ड्रेस चेंजिंग प्लेस, यहाँ पे कपड़े बदलने की जगह. आई थिंक बॉयज के अलग है, गर्ल्स के अलग है. और यहाँ पे हर जगह ऐसे शिवलिंग बने हुए हैं. विदाउट एनी हेल्प आज मैं जिंदगी में पहली बार ये साउथ इंडियन धोती पहनी है. दर्शन के लिए बिल्कुल तैयार है एंड दिस होल एक्सपीरियंस वाज आउट ऑफ वर्ल्ड. कपड़े बदलकर हम तैयार थे दर्शन के लिए और ढलते सूरज में मंदिर और भी सुंदर लग रहा था. माना जाता है 12वीं शताब्दी में राजा पांड्या ने इसको बनवाया था. लोग यहाँ सिर्फ भगवान शिव के दर्शन के लिए नहीं आते, इस पूरे मंदिर में जो भगवान शिव का तेज है उसको महसूस करना अलग ही एहसास है. जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज्यादा डिवाइन था वहाँ का, मैं बता नहीं सकता. तीन तरह की लाइन थी वहाँ पे, एक थी नॉर्मल लाइन, एक थी 100 रुपए की लाइन और एक थी 200 वाली लाइन. जो 200 वाली थी वो सबसे फास्टेस्ट थी, तो वही मैंने ली. वो सिर्फ इसलिए कि टाइम की थोड़ी सी कमी है, मेरे को बहुत सारी जगह कवर करनी है. इस वजह से इन मंदिरों में मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि जल्दी दर्शन मिल जाए. और जो दर्शन हुए वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग. मेन मंदिर है वहाँ पे शिवलिंग है शिव जी का, और दूसरा पार्वती का मंदिर है. राम जी ने ये मंदिर बनाया था, इसकी नींव रखी थी. और आज पता नहीं कितने हजारों सालों से ये मंदिर यहीं पे है. तो बाबा आपका एक्सपीरियंस कैसा था? यार ऐसी जगह पे आके फील, मतलब दर्शन हो गए यार. मतलब चार धाम में एक धाम हमने आज कवर कर लिया. I had never even imagined. Must visit place. जो मेन मंदिर था, जो शिवलिंग था, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब थी उसके अंदर. और मैं 2 मिनट तो वहाँ खड़े खड़े उस शिवलिंग को देखता ही रह गया. वही ब्यूटी है यार अंदर. मतलब आप, मतलब शिवलिंग तो डेफिनेटली, मतलब वहाँ पे आप इतनी पॉजिटिविटी देखोगे. मतलब या कोई किसी के पास दुख भी है तो वहाँ पे आके शायद आप डेफिनेटली भूल जाओगे एंड यू विल कम आउट लाइक अ न्यू मैन. और जो लग रहा था कि भाई ये दर्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, आज वो पॉसिबल हो गए हैं. एकदम खाली हो गया, यू कैन जस्ट सी सब खाली है. और सुबह यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इट वाज ऑल फुल. बट आई एम रियली थैंकफुल आज का जो ऑस्पिशियस डे है उस पे हमने दर्शन करे हैं. एक तरीके से जब ये ट्रिप प्लान हुआ था तो मैंने सिर्फ प्लान करा था कि मैं सिर्फ कन्याकुमारी जाऊँगा और वहाँ से वापस आ जाऊँगा. बट कुछ ऐसा खेल हुआ कि आज ही के दिन मैंने दर्शन भी कर लिए. और अगले दिन के सनराइज के साथ पंबन ब्रिज पर मैंने खत्म किया अपना ये रामेश्वरम ट्रिप. इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर योर फीलिंग्स एंड फीडबैक इन द कमेंट्स.